समझ बोलिए गया मैं। सॉरी। आप ये कह रही हैं नीलू कि ये कांग्रेस का ट्रैप था जिसमें बीजेपी फंस गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बजरंग बली इस बार काम नहीं आएगा। आई एम स्टेटिंग इट ऑन रिकॉर्ड दैट बजरंग बली विल नॉट वर्क फॉर बीजेपी दिस टाइम। वेरी गुड। तो ठीक है, अब आपसे अभी और बात करनी है, हमारे दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफी लंबा आपको अनुभव उन्होंने शेयर किया नीलू ने। शुरुआत करेंगे आपसे ध्रुव जी। ध्रुव जी, अगर जैसा नीलू कह रही हैं कि इतना सीवियर एंटी इनकम्बेंसी है और कर्नाटका का इस तरह का इतिहास भी है, और अगर ये सब कुछ हो गया तो मोदी जी के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे थे बेंगलोर में लगातार 2 दिन उन्होंने कैंप किया है, तो वो सब फेल हो जाएगा? और अगर वो फेल हो गया और यहां कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो आगे क्या होगा, इसका नेशनल नैरेटिव क्या बनेगा? देखिए, बीजेपी के लिए ये चुनाव वर्चस्व की लड़ाई है, और अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो वो जो दिखाना चाहती है कि वो अजेय है और उसकी जो सेना है वो बढ़ती जा रही है, और आगे ये बेसिकली 2024 का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तो दिसंबर में सामने आ जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, तो इस समय 2 वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। एक तो जो साउथ में, दक्षिण में जो घुसने की उसकी जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उस स्टेट में जहां पर उसकी ऑलरेडी सरकार है। है, और वो सरकार भी उसने सारे नियम कानून को तोड़ के, येदियुरप्पा वाली जो सरकार थी कि भाई हम 70 साल से ऊपर को वो नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, पोस्ट नहीं देंगे, और भ्रष्ट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उन सबको भी दरकिनार करते हुए उन्होंने कर्नाटका की जिस सरकार बनाई थी कि किसी तरह दक्षिण में एंट्री हो, तो उनका जो है, यदि ये हार जाते हैं तो दक्षिण की तरफ जो उनका दक्षिण की स्टेट है, तो अश्वमेध का जो घोड़ा है वो अश्वमेध का कर्नाटक में घोड़ा रुक वो जाएगा। रुक जाएगा। दूसरा, जो उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है और जो कोई हरा नहीं सकता। कोई हरा नहीं सकता, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो चाणक्य कहे जाते हैं कि चुनावी रणनीति में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं, वो साथ ही साथ, क्योंकि जैसे अभी हिमाचल हारे, उससे पहले छत्तीसगढ़ हारे, तो उनका जो राज्यों को हारने का जो सिलसिला चल रहा है, और आपको पता है वो केवल 11 राज्यों तक रह गए हैं, 11 में भी 4 राज्य तो सेवन सिस्टर्स के हैं, वो ना के बराबर के राज्य हैं, गोवा है वो भी बहुत छोटा है, और इन राज्यों में भी जो उनकी सरकार है, इवन हरियाणा में जो सरकार है वो बीजेपी की अकेले नहीं है गठबंधन से, तो उनका खुद की सरकार केवल यूपी गुजरात जैसे राज्यों तक सीमित रह जाती है, तो ये कर्नाटक जो कि एक धनी राज्य है और जहां की साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट राज्य होता है इस समय, आईटी हब है बंगलोर, पूरे विश्व की निगाहें भी बंगलोर पर है, उस समय यदि भारतीय जनता पार्टी यहां पर हारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राह कठिन हो जाती है, सेमीफाइनल में भी और उसके बाद में 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह उसकी सीटें कम हो रही हैं, तो यहाँ यदि 26 सीटें इनके पास थी एमपी वाली, अगर वो 13 हो जाती हैं तो उसकी कहीं और से भरपाई नहीं हो सकती, बल्कि उनको कर्नाटका से भरपाई करनी थी और राज्यों में जो उनकी कमी हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि कांग्रेस अगर उसका, चाहे भारत जोड़ो अभियान हो या जो मल्लिका खड़गे काल खड़गे जी उसी राज्य के हैं। हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया, तो उनकी उनका भी अस्तित्व, कांग्रेस का अस्तित्व और रीजनरेटिंग कांग्रेस जो कह रहे हैं उनके लिए भी ये अस्तित्व की लड़ाई है,
और जैसा लग रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो उससे कांग्रेस को एक संजीवनी मिलेगी और कांग्रेस की जो भी एक्शंस हैं वो ऐसा लगेगा कि और भी राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, उनके कार्यकर्ताओं में नया जोश आ सकता है। और क्योंकि जो है एक धनी राज्य है तो उनको कांग्रेस को धन से भी सहायता मिल सकती है। तो ये जो है ये इलेक्शन है इसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है तो उसके हार से एक जो उसका जो विपक्षी है जिसको उसने नेस्तनाबूद करने में बहुत समय लगा है वो दोबारा से उठ खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इन तीन राज्यों के चुनाव जो 2023 में ही दिसंबर में होने हैं और 2024 में एक कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हार से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। हाँ शक्ति,